हेलो गाइस, आई एम डॉक्टर सौरभ विश्वकर्मा। मुझे लगता है कि आपको मेरा लास्ट टाइम का वीडियो अच्छा लगा होगा और इसीलिए आज मैं अपना सेकेंड वीडियो रिलीज कर रहा हूँ जिसका नाम है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। ओके, सो बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट होता है कि एक्चुअल में ब्रीदिंग होता कैसा है। जब टेक्स्ट बुक्स में पढ़ते हैं तो उसके अंदर डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स ऐसा बहुत सारी चीजें दी होती है, लेकिन स्टूडेंट्स उसको समझ नहीं पाते कि एक्चुअल में ये हो क्या रहा है जिसकी वजह से मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग हो रहा है। ब्रीदिंग हो रहा है हमारे बॉडी में, राइट? हम एयर अंदर ले रहे हैं और एक्सपायर कर रहे हैं। तो एक्चुअल में मैकेनिज्म कैसा होता है, यही मैं आपसे आज डिस्कस करने वाला हूँ। बहुत इजी चीज है, बहुत सिंपल लगेगा, बस ध्यान देना है। ओके, सो इसी चीज के साथ मैं स्टार्ट करता हूँ, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। ओके, सो आपको ये चीज पहले तो सबसे सिंपल से मैकेनिज्म सिंपल सी चीज पता है आपको कि ब्रीदिंग का जो मैकेनिज्म होता है उसे मैं डिवाइड करता हूँ दो फेजेस में। जो पहला फेज होता है उसे मैं बोलता हूँ इंस्पिरेशन एंड द सेकेंड फेज इज कॉल्ड एज एक्सपिरेशन। सो ये सबको पता है कि ब्रीदिंग के अंदर दो स्टेप्स आते हैं, द फर्स्ट स्टेप इज कॉल्ड एज इंस्पिरेशन एंड द सेकेंड स्टेप इज कॉल्ड एज एक्सपिरेशन। इंस्पिरेशन में क्या होता है, इंस्पिरेशन में हम एयर अंदर लेते हैं फ्रॉम द एटमोस्फियर इनटू आवर बॉडी। एक्सपिरेशन में क्या होता है, हमारे बॉडी में जो एयर गया था वो डीऑक्सीजनेटेड एयर अब मुझे वापस से एक्सपायर करना है, बॉडी से बाहर रिलीज करना है इनटू द एटमॉस्फेयर, राइट? सो एक फेज के बाद दूसरा फेज होगा, दूसरे फेज के बाद पहला फेज होगा। तो ये दोनों फेजेस अल्टरनेटली हमारे बॉडी में कंटिन्यूअसली होते रहते हैं और इन्हीं दोनों फेजेस के अल्टरनेट कॉम्बिनेशन को मैं क्या बोलता हूँ, ब्रीदिंग। ओके, सो मेरा ये लेक्चर पढ़ाने का मेन मोटो क्या है, हमें पता करना है, हमें समझना है कि इंस्पिरेशन कैसे होता है, हम एक्चुअल में हमारे बॉडी में क्या चेंजेस हो रहे हैं कि हमारे बॉडी में एयर अंदर आ रहा है, राइट? एंड एक्सपिरेशन में फिर इंस्पिरेशन के बाद ऐसा क्या होता है कि हमारे बॉडी में जो एयर था वो बॉडी के बाहर जा रहा है। ओके, सो इन दोनों फेजेस को एक बहुत सिंपल से डायग्राम में मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा आपको। आपको एक कुछ फिजिक्स के फंडे, कुछ केमिस्ट्री के फंडे जो आपने पढ़े वो मैं आपको वापस से बताऊंगा, एक रिविजन दूंगा, क्योंकि वो सारी चीजें हमें यहाँ पर यूज होने वाली है। उसके पहले मैं अपने बॉडी का एक सिंपल सा स्ट्रक्चर आपको बताता हूँ, ठीक है? ध्यान देंगे, आपको पता है कि ये मेरा आगे वाला बॉडी चेस्ट वॉल जिसे मैं बोलता हूँ, दिस इज मेड अप ऑफ, आगे एक पतला सा बोन होता है जिसे मैं बोलता हूँ स्टर्नम, राइट? सो ये मेरा स्टर्नम होता है, राइट? एंड स्टर्नम से जुड़े हुए यहाँ पर बहुत सारे रिब्स जाते हैं, राइट? ये सब चीजें आपको पता है, और इसके नीचे और दूसरे बहुत सारे रिब्स होते हैं, राइट? सो ये मेरे बॉडी का सिंपल सा बेसिक सा आगे का चेस्ट वॉल का स्ट्रक्चर है। पीछे मैं जब देखता हूं तो मैं क्या पता है मुझे, यहाँ पर क्या होता है, वर्टिब्रल कॉलम। क्या होता है, वर्टिब्रल कॉलम। सो यहाँ पर बहुत सारे वर्टिब्रे ऐसे पीछे की तरफ अटैच होते हैं। अब इन दोनों डायग्राम्स को मैं कंबाइन करूंगा तो मुझे पीछे की तरफ क्या मिलेगा, मैं ब्लू में देखो, रेड में पीछे वाला रिब केज बना रहा हूं, तो ये मेरा पीछे का रिब केज हो गया, राइट? और जो मैंने ब्लैक में बनाया वो क्या है, मेरा आगे का चेस्ट वॉल। साइड में क्या है, रिब्स है। आगे स्टर्नम है और रिब्स है, साइड में रिब्स है, और पीछे क्या है, पीछे क्या है, वर्टिब्रेज है। सो ये जो सारी बोन्स मैंने आपको बताए हैं ये सब कंबाइन करके क्या बना रहे, मेरा थोरासिक कैविटी। क्या बना रहे, थोरासिक कैविटी। सो थोरासिक कैविटी क्या है, थोरासिक कैविटी कुछ नहीं है, वो कैविटी है जो लंग्स को सराउंड करके रखा हुआ है। इस कैविटी में आगे कौन आता है, स्टर्नम और रिब बोन्स, साइड में कौन आते हैं, मेरे रिब केज, और पीछे कौन आते हैं, मेरे वर्टिब्रा। ठीक है, ये सिंपल सा फंडा है जो आपको चीज समझना चाहिए, राइट? अब ये आगे पीछे से ये कैसा दिखता है ये तो आप लोग समझ गए। अब इसी चीज को मैं साइड से जब देखता हूँ, ठीक है, साइड से देखता हूँ तो मैं क्या देखता हूँ कि मैंने आपको बताया यहाँ पर है स्टर्नम, ठीक है, स्टर्नम के नीचे क्या है, बहुत सारे रिब्स, रिब बोन्स है, राइट? ये रिब बोन्स ऐसे साइड में आएंगे, ऐसे पीछे की तरफ जाते हैं, पीछे की तरफ जाते हैं, पीछे की तरफ, ठीक है? तो पीछे ये रिब बोन्स जाएंगे और पीछे मैंने क्या बताया आपको, पीछे क्या होते हैं, वर्टिब्रे। क्या होते हैं, वर्टिब्रे। तो ये मेरा वर्टिब्रल कॉलम है। अगर मैं साइड से मेरे चेस्ट को, थोरैसिक कैविटी को देख रहा हूँ तो मुझे कुछ इस तरह का डायग्राम दिखता है, राइट? एक सिंपल सा बेसिक सा डायग्राम है, रफ डायग्राम है, ज्यादा फोकस नहीं करेंगे उस पर, लेकिन आपको अभी आइडिया मिल गया है कि मेरा एक्चुअल में थोरैसिक कैविटी कैसा दिखता है। और इसी थोरैसिक कैविटी के अंदर यहाँ पर क्या होता है, लंग। क्या होता है, लंग। तो एक लंग राइट लंग, एक लंग लेफ्ट लंग। तो साइड से देख रहा हूं तो मुझे इस तरफ का नहीं दिखेगा, इसीलिए मैंने अभी आपको डायग्राम में सिर्फ एक ही लंग बना के दिखाया हुआ है, ठीक है? सो आपको ये बेसिक सा चीज समझ गया कि मेरा थोरैसिक कैविटी कैसे होता है और उसके अंदर मेरे रिब बोन्स और स्टर्नम और वर्टिब्रल कॉलम में कैसे इनको होल्ड कर, लंग को होल्ड करके रखा हुआ है, ठीक है? अब मैंने साइड से आजू बाजू से सब कुछ बता दिया, अभी जो लास्ट चीज बचती है वो क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज,
लंग का जो बेस होता है, नीचे वाला पार्ट होता है, नीचे क्या होता है, एक स्ट्रक्चर होता है जिसे मैं बोलता हूँ डायफ्राम। क्या बोलता हूँ? डायफ्राम। तो ये मेरा डायफ्राम है। तो डायफ्राम कहाँ है? डायफ्राम कुछ इस तरह का डोम शेप स्ट्रक्चर, डोम मतलब कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है जो नीचे की तरफ है, जिसपे मेरा लंग एक्चुअली लाई करता है। ओके, अभी ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है अगर मुझे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग समझना है तो। राइट, आई होप आप लोगों को ये चीज समझी होगी और इसी के साथ में आप आगे बढ़ते हो। राइट, सो अब इसी डायग्राम को हम कंटिन्यू करेंगे और सबसे पहले हम समझेंगे कि एक्चुअल में पहले इंस्पिरेशन कैसे हो रहा है, हम बॉडी के अंदर एयर कैसे ले रहे हैं। ये फंडा समझने के लिए आपको एक सिंपल सा फंडा आना चाहिए। ये जो लॉ है आपको पता होगा कि प्रेशर इज ऑलवेज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। प्रेशर इज ऑलवेज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। इसका मतलब क्या है कि एक रूम है, उस रूम का वॉल्यूम अगर छोटा है, उस रूम का वॉल्यूम अगर छोटा है तो उसमें प्रेशर कैसा होगा? ज्यादा होगा। कैसा होगा? ज्यादा होगा। इन्वर्सली प्रपोर्शनल ना, अगर ये ज्यादा तो ये कम तो ये ज्यादा। तो एक छोटे से रूम में प्रेशर कैसा होगा? ज्यादा। रूम को और छोटा करते जाऊंगा तो प्रेशर क्या होता जाएगा? बढ़ते जाएगा। क्या होता जाएगा? बढ़ते जाएगा। राइट, अभी सेम चीज उल्टा करता हूं, मैं रूम का साइज बड़ा करते जाऊंगा तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इसीलिए क्या होगा, मेरा प्रेशर क्या होते जाएगा? कम होते जाएगा। क्या होते जाएगा? कम होते जाएगा। राइट, तो एक सिंपल सा लॉ है केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, जो भी बोल लीजिए, कि प्रेशर इज ऑलवेज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अभी मैं क्या कर रहा हूं, यही लॉ अप्लाई करूंगा यहां पर। राइट, अभी मुझे इमेजिन करना है कि लंग मेरा एक रूम है। क्या है? रूम। और दरवाजा है जिसके थ्रू बाहर से एयर अंदर आ सकता है और अंदर से एयर बाहर जा सकता है। ठीक है, मैं दो रूम्स इमेजिन कर रहा हूं और दोनों रूम्स के बीच में क्या है? एक डोर। राइट, सो ये दो रूम्स मैं इमेजिन कर रहा हूं, ये दो रूम्स हो गए और दोनों के बीच में क्या है? एक डोर है। क्या है? एक डोर। राइट, अभी मैंने आपको जो फंडा बताया वो चीज ध्यान देना है। ठीक है, पहले ये दोनों रूम्स क्या थे? सेम साइज के थे, कुछ प्रॉब्लम नहीं था, सब कुछ अच्छा अच्छा था। यहां से कुछ ना यहां जा रहा था, यहां से कुछ ना यहां जा रहा था। राइट, अभी क्या हुआ, ये जो रूम है इसका साइज मैंने क्या कर दिया? बड़ा कर दिया। क्या कर दिया? इसका साइज बड़ा कर दिया। अब ये लॉ यहां पर लगाएंगे। देखो, अभी दरवाजा क्या था? बंद था। कैसा था दरवाजा मेरा? बंद था। राइट, अभी मैंने ये लॉ यहां पर लगाया। देखो, मैंने क्या कर दिया? वॉल्यूम को क्या कर दिया? इस रूम के वॉल्यूम को क्या कर दिया? इंक्रीज कर दिया। तो प्रेशर क्या हो जाएगा यहां पर? डिक्रीज हो जाएगा। प्रेशर क्या हो गया यहां पर? डिक्रीज। यहां पर प्रेशर डिक्रीज हो गया, लेकिन यहां पर प्रेशर में कुछ चेंज आया क्या? नहीं, क्योंकि रूम का साइज सेम है। राइट, तो समझो कि ये है मेरा एटमॉस्फियर। क्या है मेरा ये? एटमॉस्फियर। एटमॉस्फियर मतलब मेरे आजू बाजू का एनवायरमेंट। और ये रूम एक्चुअल में क्या है? मेरे लंग्स। क्या है? लंग्स। क्या है? लंग्स। अगर मैं लंग्स को एक्सपांड कर देता हूं, लंग्स को एक्सपांड कर दूंगा तो उसमें प्रेशर क्या हो जाएगा? कम। क्या हो जाएगा? कम। बाहर का प्रेशर सेम है हमेशा एटमॉस्फेयर का, लेकिन मैंने लंग्स को क्या किया? एक्सपांड कर दिया। तो लंग्स का प्रेशर क्या हो गया? कम। अभी जब मैं ये डोर खोलूंगा, पहले दोनों में प्रेशर क्या था? इक्वल। लेकिन जैसे ही मैंने ये डोर खोल दिया, यहां पर प्रेशर क्या हो गया? कम। यहां पर पहले था जो, वही है, और यहां पर प्रेशर क्या हो गया? कम। तो अब दोनों को मैं कंपेयर करूंगा तो इस रूम का प्रेशर इस रूम से क्या हो गया? कम। तो क्या होगा? एयर यहां से यहां पर आ जाना चालू हो जाएगा। और यही चीज हो रहा है किसमें? इंस्पिरेशन में। क्या हो रहा है? देखो ध्यान से देखिए, अभी रूम की वजह से, रूम के हेल्प से हमने ये समझ लिया। अभी हमारे बॉडी में एक्चुअली ये कैसा हो रहा है उस चीज को मैं बताने जा रहा हूं आपको। ठीक है, लंग का साइज एक्सपांड होगा तभी प्रेशर कम होगा। अभी लंग को मैंने क्या बोला आपको कि ये एक थोरासिक कैविटी के अंदर प्लेस्ड है, तो अगर लंग का साइज बढ़ना है तो लंग का साइज बढ़ेगा और उसे ऑक्यूपाई करने के लिए थोरासिक कैविटी का भी साइज बढ़ना चाहिए। लेकिन थोरासिक कैविटी को किसने कवर करके रखा है? बोन्स ने। किसने कवर करके रखा है? बोन्स ने। आगे स्टर्नम है, रिब बोन्स है, साइड में रिब बोन्स है, पीछे वर्टिब्रल कॉलम है और नीचे क्या है? एक मसल है जिसका नाम है डायफ्राम। अभी इन चीजों ने मेरे लंग को हर तरफ से ऑक्यूपाई करके रखा है। अभी मेरा लंग एक्सपांड होना चाहेगा तो भी नहीं हो सकता है जब तक ये बोन्स अपने पोजिशन पर फिक्स है। तो अगर मुझे लंग को एक्सपांड करना है, लंग का वॉल्यूम इंक्रीज करना है, तो मुझे इन सारे जो बाउंड्रीज है उन बाउंड्रीज को क्या करना पड़ेगा? उनका पोजीशन क्या करना पड़ेगा? चेंज। तो वही चीज इंस्पिरेशन के टाइम पे मेरा बॉडी करता है। और ये चीज को करने के लिए कौन हेल्प करते हैं? कुछ मसल्स। ठीक है, और इन कुछ मसल्स का नाम क्या है? इंटरकोस्टल मसल्स, जो होते हैं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। अब ये मसल्स कहां पर होते हैं? अब ध्यान से अपने बॉडी में यहां पर टच करेंगे तो दो रिब बोन्स के बीच में एक गैप मिलेगा आपको, और
और उस गैप में और कुछ नहीं होता है, क्या होता है, मेरे यही मसल्स होते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। सो रिब बोन्स है, पूरा इस तरफ से पूरा सराउंडेड है, और पूरा इसी तरह से क्या है, यहाँ पर मसल्स भी है। कौन से मसल्स? इंटरनल और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। अभी ये मसल्स, एक मसल बता दिया मैंने आपको, और कहां पर आते हैं, बॉडी के साइड में आ गए और बॉडी के आगे की तरफ, क्योंकि आगे की तरफ भी आते हैं रिब्स, राइट। सो बॉडी के आगे की तरफ और बॉडी के साइड की तरफ कौन आ गए, कौन आ गए, एक्सटर्नल और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। ये हो गया पहली चीज। दूसरा मसल कौन सा इंपॉर्टेंट, मैंने आपको बताया है डायफ्राम। कौन सा मसल है? डायफ्राम, राइट। ये मसल कहां पर है? नीचे की तरफ है। मैंने आपको क्या बताया, इसका नॉर्मल शेप कैसा होता है? डोम शेप। कैसा होता है? डोम शेप, राइट। सो ये पहले कैसा था? कुछ इस तरह से था, डोम शेप था। कैसा था यहां पर? ये डोम शेप का मेरा डायफ्राम था, राइट। ये मेरा डायफ्राम है, ये कैसा था? डोम शेप का था। अभी सब कुछ नॉर्मल है ना, गेट अभी तक खुला नहीं है, ठीक है। यहां पर सब कुछ नॉर्मल है। अभी हो क्या रहा है, देखो, अभी जब इंस्पिरेशन करना होगा तो मेरे एक्सटर्नल और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट। क्या करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट मतलब ये अपना साइज छोटा कर लेंगे। जब ये अपना साइज छोटा करेंगे तो इसे जो कुछ अटैच्ड है वो उसको क्या करेंगे, पुल करेंगे। क्या करेंगे? पुल करेंगे। ये मसल्स कहां पर आते हैं? मेरे बॉडी के आगे, चेस्ट वॉल में और साइड में। ये क्या हो रहे हैं मसल्स? क्या हो रहे हैं? कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। क्या हो रहे हैं मसल्स? कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। जब ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरे रिब बोन्स को क्या करेंगे? पुल करेंगे। क्या करेंगे? पुल करेंगे। और जब ये मसल्स मेरे रिब बोन को पुल करते हैं तो आगे से और साइड से मेरा जो रिब केज है वो क्या होता है? ऊपर की तरफ पुल हो जाता है। क्या हो जाता है? ऊपर की तरफ पुल हो जाता है। डायग्राम में एक्सप्लेन करूंगा तो क्या होगा, देखो, यहां पर जो रिब बोन्स थे ये ऊपर की तरफ क्या होने लगे? पुल होने लगे। क्या होने लगे? पुल होने लगे, राइट। अंदर लंग था, लंग के साइज में अभी कोई चेंज नहीं आया। क्या हुआ है? देखो, रिब मसल्स मेरे कॉन्ट्रैक्ट किए, मसल्स मेरे बोन्स को पुल करेंगे, क्योंकि इन मसल्स के साथ कौन अटैच्ड है? बोन्स अटैच्ड है, राइट। सो मसल जब कॉन्ट्रैक्ट होंगे ये बोन्स को पुल करेंगे, और इसके वजह से क्या होगा, मेरा चेस्ट वॉल आगे की तरफ पुल होगा। क्या होगा? आगे की तरफ चेस्ट वॉल पुल होगा। साइड से भी मेरा थोरैसिक कैविटी क्या हो जाएंगे, रिब के रिब बोन्स क्या हो जाएंगे, पुल हो जाएंगे। तो अभी आगे से पुल हो रहा है, साइड से पुल हो रहा है, इसके वजह से क्या हो रहा है, थोरैसिक कैविटी का आगे से डायमीटर बढ़ रहा है और साइड में से भी डायमीटर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। दो डायरेक्शंस में क्या हो गया, मेरे थोरैसिक कैविटी का डायमीटर बढ़ रहा है। देखो, आगे से भी बढ़ रहा है क्योंकि रिब बोन्स को किसने खींचा, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स ने। यहां पर भी रिब बोन्स को किसने खींचा, एक्सटर्नल और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स ने। तो क्या हुआ, आगे से और साइड से मेरे थोरैसिक कैविटी का जो डायमीटर है, जो कैविटी है, वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। कब बढ़ रहा है? जब मैं इंस्पिरेशन करने का ट्राई कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? इंस्पिरेशन करने का ट्राई कर रहा हूं। सिर्फ इतना नहीं, और एक मैकेनिज्म है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी ये जो डायमीटर मैंने आपको बताया, ठीक है, ये बहुत थोड़ा है एज कम्पेयर टू जो सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज है। ये जो डायफ्राम है, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मसल होता है इंस्पिरेशन के लिए, एक्सपिरेशन के लिए। क्यों? क्योंकि ये डायफ्राम का शेप कैसा था पहले? कैसा था? डोम शेप था। ये भी क्या है? एक मसल है। क्या है? मसल है। अभी ये भी मसल क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट होगा। क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट होगा। नॉर्मली ये था तो ऐसा ही था ना, इसका डोम शेप ऐसा था, लेकिन अब जब इसके मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे, ये भी क्या करेंगे, एक दूसरे को पुल। क्या करेंगे? मसल फाइबर्स एक दूसरे को पुल। तो मसल फाइबर जब एक दूसरे को पुल करते हैं ना, पुल, तो क्या हो रहा है, मसल धीरे धीरे छोटा हो रहा है। तो मसल फाइबर्स एक दूसरे को पुल कर रहे हैं, सारे के सारे मसल फाइबर्स क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को पुल कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं। उसके वजह से क्या हो रहा है, ये जो डायफ्राम था पहले डोम शेप था, वो कुछ इस तरह से दिखने आएगा, दिखने लगेगा। कैसा हो गया वो? फ्लैट। कैसा हो गया? फ्लैट। टोटली फ्लैट नहीं हुआ, लेकिन पहले वाले से कंपेयर करेंगे तो अब कैसा हो गया? फ्लैट हो गया। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? तो क्या हुआ, देखो ध्यान से, इंटरनल और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स ने आगे से चेस्ट वॉल को खींचा तो आगे से कैविटी बढ़ रही है, साइड से खींचा तो साइड से बढ़ रही है, और नीचे से डायफ्राम जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, डायफ्राम जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, यहाँ के मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो डायफ्राम जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो लेंथ जो है थोरैसिक कैविटी का वो बढ़ जा रहा है। तो देखो हर डायरेक्शन से हो क्या रहा है, मेरे थोरैसिक कैविटी का जो स्पेस है वो बढ़ते जा रहा है। अब जब थोरैसिक कैविटी के अंदर स्पेस बढ़ जाएगा तो मेरे लंग्स को क्या मिल जाएगा, अपॉर्चुनिटी एक्सपांड होने का। अभी थोरैसिक कैविटी मेरा वो रूम था, राइट, अभी ये रूम बड़ा हो गया है तो ऑटोमेटिकली अंदर का प्रेशर क्या हो जाएगा, कम। तो अब यहां पर प्रेशर क्या हो गया है, कम हो गया है, लेकिन यहां पर है नोज, नोज के बाहर क्या है मेरा एटमोस्फियर। क्या है मेरा एटमोस्फियर? ये जो एटमोस्फियर है उसका प्रेशर में कोई डिफरेंस नहीं आया,
लेकिन एज कंपेयर टू द एटमोस्फियर यहाँ का प्रेशर क्या हो गया है, कम हो गया है, क्या हो गया है, कम। तो एटमोस्फियर से एयर ऑटोमेटिकली कहां पर आ जाएगा, लंग्स के अंदर, कहां पर आ जाएगा, लंग्स के अंदर। और जैसे ही एटमोस्फियर से एयर लंग्स के अंदर आता है, इसी चीज को मैं क्या बोलता हूँ, इंस्पिरेशन, क्या बोलता हूँ, इंस्पिरेशन। सो हमें अब पता चल गया कि इंस्पिरेशन, हाउ डज इंस्पिरेशन एक्चुअली टेक प्लेस, व्हाट इज हैपनिंग इज द एक्सटर्नल एंड इंटरनल कोस्टल मसल्स आर कॉन्ट्रैक्टिंग बिकॉज ऑफ विच द डायमीटर ऑफ द थोरैसिक कैविटी इज इंक्रीजिंग इन द फ्रंट साइड एज वेल एज द लैटरल साइड इन द साइड वेज, राइट। Also, what is happening is the diaphragm is contracting because of which the length of the thoracic cavity is also increasing. So, what is happening is जो मेरा thoracic cavity था उसका diameter हर direction से अब बढ़ गया है, thoracic cavity का जो room था वो बढ़ गया है, so उसके अंदर का pressure क्या हो गया, कम। Pressure जैसे ही कम हुआ वैसे ही atmosphere से air अंदर आ जाएगा, क्योंकि कंपेयर करेंगे हम दोनों एटमॉस्फेयर को और अंदर को, तो अभी क्या हो गया है, यहाँ का प्रेशर कंपेरेटिवली बाहर से क्या हो गया है, नेगेटिव हो गया है, कम हो गया है, जिसकी वजह से एयर बाहर से अंदर आएगा, और इसी चीज को मैं क्या बोलता हूं, इंस्पिरेशन, राइट। अभी इंस्पिरेशन अगर आपको समझ गया है तो आप लोग इजिली रिलेट कर सकते हो कि एक्सपिरेशन कैसे हो रहा है। एक्सपिरेशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे इस थोरासिक कैविटी का, इस रूम का वॉल्यूम क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। जब वॉल्यूम कम होगा, वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। प्रेशर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। प्रेशर जैसे ही बढ़ेगा, बाहर का प्रेशर तो कॉन्स्टेंट है लेकिन अब यहां पर प्रेशर क्या होने लगा, बढ़ने लगा, तो बाहर का प्रेशर अब क्या हो जाएगा कंपेयर टू इनसाइड, कम हो जाएगा। तो इसकी वजह से यहां पर प्रेशर ज्यादा है तो अब एयर क्या करेगा, बाहर जाएगा। वापस से मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं एक बार डायग्राम में, तो आपको ये चीज सिंप्लीफाइड हो जाएगी। हो क्या रहा है, देखो पहले क्या हुआ था, एक्सटर्नल और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स ने कॉन्ट्रैक्ट किया था इंस्पिरेशन करने के लिए। अब एक्सपिरेशन करने के लिए वो क्या करेंगे, रिलैक्स, क्या करेंगे, रिलैक्स। तो जो कैविटी उन्होंने आगे से और साइड से बढ़ाई थी, क्यों, क्योंकि मसल्स मेरे हुए थे कॉन्ट्रैक्ट, अब मसल्स वापस से होंगे रिलैक्स, क्या होंगे, रिलैक्स। जब मसल्स रिलैक्स होंगे तो इनको पुल कर पाएंगे क्या आगे और साइड में, नहीं पुल कर पाएंगे, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, मेरा आगे से चेस्ट वॉल अंदर की तरफ जाएगा, साइड से चेस्ट वॉल अंदर की तरफ जाएगा, राइट। नीचे की तरफ क्या हो रहा है, मेरा डायफ्राम क्या हो गया था, कॉन्ट्रैक्ट, क्या हो गया था, कॉन्ट्रैक्ट। अब ये जब रिलैक्स होगा, ये जब रिलैक्स होगा, जो मसल फाइबर्स एक दूसरे को पुल करके इसे फ्लैट कर दिए थे, अब वो मसल फाइबर जब रिलैक्स होंगे तो क्या हो जाएगा, मेरा डायफ्राम वापस से कौन सा शेप का हो जाएगा, डोम शेप का। जब डोम शेप हो गया वो, तो वो क्या करेगा, अंदर का यहाँ का स्पेस कम कर रहा है इस डायरेक्शन में, बाकी यहाँ पर स्पेस कम हो गया था ऑटोमेटिकली, मैंने बताया आपको एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स भी रिलैक्स हुए, अब यहां से भी स्पेस कम हो रहा है, तो ओवरऑल हुआ क्या, इस थोरैसिक कैविटी में स्पेस क्या हो गया, कम। वॉल्यूम क्या हो गया, डिक्रीज। वॉल्यूम डिक्रीज हो गया तो प्रेशर क्या हो गया, इंक्रीज, राइट। इसी चीज को मैं उल्टा कर देता हूं, क्या हो रहा है अभी इस केस में, मेरा रूम जो है वो बड़े होने की जगह पे क्या हो रहा है, छोटा। जब रूम छोटा होगा वॉल्यूम डिक्रीज होगा, प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज। तो मैं डोर ओपन करूंगा तो मेरा एयर अब किस डायरेक्शन में मूव करेगा, यहां से यहां की तरफ मूव करेगा। क्यों मूव करेगा, क्योंकि अब क्या हो गया, मेरा रूम छोटा हो गया, क्या हो गया, छोटा हो गया, समझे। और जैसे ही ये सारी चीजें ऑपोजिट हो जाती है, मतलब मेरे एक्सटर्नल और इंटरनल कोस्टल मसल्स रिलैक्स हो जाएंगे, मेरा डायफ्राम रिलैक्स होकर अपने नॉर्मल पोजिशन पे आ जाएगा, यहाँ का प्रेशर बढ़ जाएगा, वॉल्यूम कम मतलब प्रेशर बढ़ गया, तो एयर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, वापस से नोज से बाहर। और जैसे ही एयर थोरैसिक कैविटी से लंग से बाहर गया, इसी प्रोसीजर को मैं क्या बोलता हूँ, एक्सपिरेशन, राइट। अब एयर बाहर चला गया, उसके बाद मेरे बॉडी को फिर से ऑक्सीजन चाहिए, तो मेरा बॉडी को वापस से एयर चाहिए, तो मेरा बॉडी फिर से वही मैकेनिज्म करेगा, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स को क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट, डायफ्राम को क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट। ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो लंग को एक्सपांड होने के लिए जगह मिलेगी, लंग हो जाएगा बड़ा, वॉल्यूम हो जाएगा कम, और वॉल्यूम हो जाएगा ज्यादा और प्रेशर हो जाएगा कम, उसके वजह से क्या होगा, बाहर से एयर अंदर वापस आएगा, वापस से एक्सपिरेशन करना है तो मसल्स को क्या करेंगे हम, रिलैक्स, रिलैक्स करेंगे तो वापस से उल्टा हो जाएगा और एयर बाहर, राइट। सो ये है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, राइट। इसके साथ में मैं आज का टॉपिक डिक्लेयर करता हूँ कि खत्म हो गया है। अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स को एक डाउट आता है कि टाइडल वॉल्यूम वगैरह क्या होता है, तो उस पर भी मैं जल्दी एक वीडियो बनाऊंगा। आज के लिए आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा,
थैंक यू एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है. थैंक यू एंड कीप वॉचिंग.